जो बाद में कहीं ना कहीं शांति को तोड़ने का काम करती है और जो कहीं ना कहीं चुनाव मतदान को प्रभावित करने का काम करती है, उन सभी खबरों पर, उन सभी नकली खबरों पर ताला लगा रहा है लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया। सबसे पहले आपको सीधे एक ब्रेकिंग दूंगा जो बताई जा रही है कि ब्रेकिंग आ रही है। सबसे पहले इस ब्रेकिंग पर चलेंगे लखनऊ से, ये इलेक्शन ब्रेकिंग। सबसे पहले लखनऊ से इलेक्शन ब्रेकिंग आपके लिए। सबसे पहले देखिए लखनऊ से इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है। इस इलेक्शन ब्रेकिंग में दर्शकों, सरोजनी नगर में ईवीएम खराब हुई, सरोजनी नगर में ईवीएम खराब हुई है ये खबर है। साथ ही साथ कहां से है, बगिया मऊ में खराब हुई है ये ईवीएम मशीन। बगिया मऊ में ईवीएम मशीन खराब हुई है ये आपको ब्रेकिंग बता रहे हैं। वोटिंग के दौरान ईवीएम में दिक्कत आ गई है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया है और खराब ईवीएम के कारण मतदान बाधित है। तो जब तक ये ब्रेकिंग पढ़ रहे हैं आपको बता दें कि मतदान बाधित हो गया है लखनऊ से, ये इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। सबसे पहले सरोजनी नगर में ईवीएम खराब हो गई है, बगिया मऊ का ये मामला है जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई है, जहां के बूथ पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। वोटिंग के दौरान ईवीएम में दिक्कत आई जिसके बाद अब मतदान बाधित है। लेकिन अभी बिल्कुल इसी सेकंड पर क्या अपडेट है इसको जानने के लिए सबसे पहले हमारा रिपोर्टर वहां पर मौजूद है। तो लखनऊ से इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, सरोजनी नगर का यह मामला जहां पर आपको बता दें कि ईवीएम मशीन में दिक्कत आई जिसके बाद ईवीएम मशीन खराब हो गई और चुनाव जो वहां पर वोटिंग हो रही थी वो प्रक्रिया बाधित हुई है। बगिया मऊ का यह पूरा मामला है, इलेक्शन ब्रेकिंग स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वोटिंग के दौरान ईवीएम में दिक्कत आई है, जहां जहां दिक्कत आ रही है, जहां जहां ईवीएम में दिक्कत आ रही है, सबसे पहले ब्रेक कर रहे हैं और सबसे पहले ब्रेक करने के बाद सबसे पहले ठीक करवाने की भी बात कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं अधिकारी। तो बगिया मऊ से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव। सबसे पहले वोटिंग के दौरान ईवीएम में दिक्कत आई है जिसके बाद मतदान बाधित हुआ है। तो अभी सीधे अपने संवाददाता का रुख करेंगे और फिर यह भी पूछेंगे कि अधिकारी से बात हुई है, क्या कह रहे हैं अधिकारी, अधिकारी पर दबाव बनाइए, तुरंत सही करवाइए। सीधे हमारे संवाददाता लखनऊ से शुभम साहब। जी हाँ बिल्कुल, आपको बताया जिस तरीके से जो ईवीएम खराब होने का मामला है कई लखनऊ के, सबसे पहले पट्टी चलाइए, सबसे पहले पट्टी चलाइए। बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल, कह सकते हैं कि लखनऊ में 4 से 5 जगह पे ईवीएम खराब हुई थी सुबह 7 बजे ही। उसके बाद उसको जब ब्रेक कराया गया, लगातार हमने कवरेज की, उसके बाद कुछ ही घंटे में उसका जो परिणाम था और जो ईवीएम थी उनको चेंज किया गया, नई ईवीएम लगाई गई और लगातार जो सुचारू रूप से मतदान चला था। उसी के बाद सरोजनी नगर जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वहां पर बलिया में जो गाँव है वहां पर कह सकते हैं कि ईवीएम खराब हुई थी। उसके बाद उसको जो है तो वहां पर शिकायत की गई, शिकायत के बाद जो है अधिकारियों ने जो पीठासीन अधिकारी है उससे शिकायत की गई और शिकायत का परिणाम शुभम साहब बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं, सबसे पहले की पट्टी चलाइए आप। बिल्कुल 45 मिनट बाद लगभग कह सकते हैं 45 मिनट बाद जो है उसको दुरुस्त किया गया। लगातार जो निर्वाचन विभाग है लगातार जो खबरें चल रही हैं उनका बाकायदा संज्ञान ले रहा है। संज्ञान लेने के बाद तुरंत कह सकते हैं कि न्यूज वर्ल्ड की जो खबरें हैं उनको ध्यान में रख करके लगातार जो अधिकारी हैं वो लगातार जा करके वहां पर ईवीएम ठीक करा रहे हैं, लगातार ईवीएम जो है सही होती दिखाई दे रही है। ईवीएम खराब कैसे हुई और इसकी सबसे पहले सूचना किसने दी अधिकारियों को, क्या अधिकारियों की तरफ से पत्रकारों को यह बात बताई गई है या फिर किसी ने इस बात की शिकायत की थी? जी बिल्कुल, जो वहां पर वोटर जा रहे हैं वोट डालने जा रहे हैं उनमें से एक वोटर था जिसने जो है ये बात बताई कि ईवीएम में कुछ दिक्कत आ रही है, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी के पास बात पहुंची। पीठासीन अधिकारी के पास बात पहुंचने के बाद निर्वाचन विभाग के जो सेक्टर प्रभारी बनाए गए उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया, तुरंत जो है कहा कह सकते हैं कि बड़ी एक कार्रवाई की गई है और वहां पर मौके पर ईवीएम भेजी गई और लगातार जो मतदान बाधित हुआ था उसको सुचारू रूप से शुरू किया गया है। शुभम लगातार आप वहां पर बने हुए, किसी भी तरीके की ये ऐसे मौकों पर भ्रामक जानकारियां बहुत फैलाई जाती हैं कि ईवीएम खराब हो गया है, इन्होंने खराब किया, उन्होंने खराब किया है, इस पार्टी का हाथ है, इस पार्टी के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, इस तरह की खबरें तैरने लगती है सोशल मीडिया पर। तो इसको आप क्या बता रहे हैं, डिस्क्रेडिट करिए इसको जल्दी से। नहीं बिल्कुल, कह सकते हैं इस तरह की कि जो खबरें होती सुबह जब ईवीएम में थोड़ा सा दिक्कतें आई थी उसका साफ अंदाजा ये था कि जो ये टेक्निकल फॉल्ट होती है क्योंकि टेक्निकल जो मशीनरी सिस्टम है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि लखनऊ में 4-5 जगह देखा गया था। और इससे ये नहीं कह सकते कि किसी राजनीतिक दबाव में आकर के वो मशीनें खराब हुई हैं या
किसी पर्सनल व्यक्ति ने खराब किया, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं जो टेक्निकल फॉल्ट था उसको सही करा के सुचारू रूप से जो है शुरू कराया गया है। इसमें जो अधिकारी हैं उनकी भी खास भूमिका है कि उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया, लगातार जो मतदान है लखनऊ में सुचारू रूप से हो सका। चलिए ठीक है, आप वहीं बने रहिएगा शुभम जी, आपके पास मैं दोबारा पलट कर वापस आ रहा हूँ, क्योंकि लखनऊ से एक और खबर आई है, लखनऊ से एक और ब्रेकिंग है। लखनऊ में आपको बता रहा था कि बगिया मऊ में जहां ईवीएम मशीन खराब हुई है, तो अब एक और खबर है लखनऊ से, एक और ब्रेकिंग, बैक टू बैक ब्रेकिंग है, एक और खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ में इस वक्त की एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे लखनऊ से। ये आपको बता रहे थे, जिस पर अभी शुभम साहब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मशीन में टेक्निकल फॉल्ट आया था, लेकिन मशीन जो है वो अब ठीक है, मतदान चल रहा है, बाधित नहीं है। तो बगिया मऊ में अगर इस तरीके की कोई भी सूचना पहुंच रही है कि इलेक्शन जो है वो बाधित हो गया, इलेक्शन बाधित नहीं है, इलेक्शन चल रहा है और जोर शोर के साथ चल रहा है, मशीन में टेक्निकल फॉल्ट था, कुछ कमी थी, लेकिन उसको ठीक करा लिया गया है। तो अगली ब्रेकिंग भी लखनऊ से है, लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ में दबाव बनाकर वोट डलवाने का आरोप लगाया जा रहा है, कि दबाव बनाकर वोट डाले जा रहे हैं लखनऊ में। सीधे तौर पर लखनऊ से बड़ी खबर, एक और बिग ब्रेकिंग ऑन द स्क्रीन प्लीज, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर, दबाव बनाकर वोट डलवाने का आरोप, लखनऊ से एक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको पहुंचा रहा है, जहां पर दबाव बनाकर वोट डलवाने का आरोप है, समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगा दिया है। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है, विधायक के बेटे हैं विकास किशोर है, विधायक के बेटे हैं, इनके ऊपर सीधा आरोप है। तो एमएलए के बेटे के ऊपर आरोप लगाया कि दबाव बनाकर वोटिंग करवाई जा रही है, तो कितना सही है यह आरोप इसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कौन सी बूथ संख्या का यह मामला है, तो बूथ संख्या 215, 216, 217, 218 का यह मामला है। नोट कर लीजिए बूथ संख्या को, सबसे पहले ब्रेक कर रहे हैं इसको, सबसे पहले नोट कर लीजिए इसको, बूथ संख्या को 215, 216, 217 और 218 का यह पूरा मामला है, जहां पर दबाव बनाकर वोट डलवाने का आरोप लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है विधायक के बेटे विकास किशोर पर, यह आरोप है। बूथ संख्या 215, 216, 217 और 218 का यह पूरा मामला है। लखनऊ से यह बड़ी जानकारी आपको देना है, जहां समाजवादी पार्टी ने अब सीधे तौर पर आरोप लगा दिया है कि एमएलए के बेटे विकास किशोर दबाव बनाकर वोट डलवाने का काम कर रहे हैं। तो अधिकारी क्या कर रहे हैं, सीधे संवाददाता की ओर रुख करेंगे। तो ऐसे में अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं भाई, एक और खबर आप ही दे रहे हैं हमको, बैक टू बैक लगातार आप जो नजर बनाए हुए हैं, ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने सीधा आरोप लगा दिया है कि दबाव बनाकर वोट डलवाए जा रहे हैं, और आरोप है विकास किशोर पर, बूथ संख्या 215, 216, 217, 218, क्या हकीकत है, क्या है जमीनी हकीकत? जी हाँ बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से जो मतदाता हैं उनको कहीं ना कहीं उनका नाम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो जो प्रतिद्वंदी हैं उनके पास जाकर के अपनी बात कहते हैं। लेकिन फुल स्क्रीन लीजिए, ये एक राजधानी का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे बताए जाते हैं, जो उनके बेटे हैं विकास किशोर, उनकी तरफ से पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जो वहां पर मतदान करने के लोग पहुंच रहे थे, उसमें कहा जा सकता है कि वो जो बैलेट पेपर था उसमें नाम ना होने की बात कही गई, लेकिन इसमें जब पूरी बात को खंगाला गया, खंगालने में जानकारी साफ निकल कर आई कि वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो कहीं ना कहीं वोटरों पर दबाव बना रहे थे कि वहां पर जाकर के और पूरी तरीके से मतदान को बाधित किया जा सके, जिसकी वजह से साफ कहा जा सकता है कि एक तरफ जब पिता जो है केंद्रीय मंत्री हो और जब उनकी जो माता है वो विधायक है, और जयदेवी जाहिर सी बात है जो उनका जो वोट बैंक था उसको कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए, क्योंकि मलिहाबाद विधानसभा क्योंकि वो वर्तमान विधायक भी रही हैं, कहा जा सकता है कि जो रहीमाबाद का बूथ संख्या है 215, 216, 217, 218 साफ कहा जा सकता है, जिस तरीके से विकास किशोर के ऊपर आरोप लगे हैं और कहीं ना कहीं सपा की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले को संज्ञान लिया है, संज्ञान लेने के बाद वहां पर इस तरह की कोई जो है हलचल बाद में देखी नहीं गई है। ठीक है, तो ये एक और चीज जानना चाहेंगे शुभम साहब कि बूथ संख्या 215, 216, 217, 218 का ये पूरा मामला है, लेकिन ऐसे में अभी स्थिति क्या है, अभी बिल्कुल इसी पल की स्थिति बताइए।
जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से मामलों में इस तरह के जो मामले हैं उनमें जैसे ही कोई शिकायत हो रही है तुरंत जो है जो इलेक्शन कमिश्नर है जो इलेक्शन कमीशन है वो लगातार अपडेट करता है, लगातार मामलों में पहुंच करके उन मामलों से कहीं ना कहीं उन मामलों में किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैल सके, जिसके लिए लगातार वो मौके पर जा करके चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर जो लखनऊ DM है उनकी तरफ से भी एक खास तरीके से निगरानी की जा रही है, लगातार वो निरीक्षण भी कर रहे हैं कि इस तरह की जो बातें आ रही हैं उनको ना हो सके, कोई भी किसी भी तरह का दबाव ना बना सके। लेकिन जो मामला विकास किशोर के ऊपर आया है तो जाहिर सी बात है जब वहां पर उनकी माता खुद ही जो है वो वर्तमान विधायक रही है और वो प्रत्याशी भी है और कहीं ना कहीं उनकी छवि भी बीच में धूमिल हुई थी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने इसकी जो है खबर भी चलाई थी कि आखिरकार जब वहां पर वो गांव में गई थी तो उनको वहां से गांव के लोगों ने खदेड़ दिया था, तो जिससे साफ पता चलता है कि उन वोट बैंकों को सजोने के लिए इस चीज को किया जा रहा था। लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन है उसने कहीं ना कहीं इस मामले में संज्ञान लेकर के मामले को रफा दफा कर दिया, किसी भी तरह का कोई भी मामला नहीं, सुचारू रूप से मतदान शुरू हो गया है। बहुत 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 शुक्रिया आपका। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि किसी भी तरीके की जो ये अफवाह फैल रही है कि मतदान जो है बाधित है, मतदान में दबाव है, वोट डलवाए जा रहे हैं, प्रशासनिक अमला जो है इस पे लगा है, लेकिन इस जो क्लैरिटी आप दे रहे हैं, जो आप साफ तरीके से जो आप पूरी क्लैरिटी दे रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, इससे बहुत लोग समझ पा रहे हैं कि हकीकत क्या है। क्योंकि जब जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन सबसे ज़्यादा अफवाहों का दौर सबसे चरम पर रहता है, अफवाहों का दौर। तो ऐसे में जब आज आपको बता रहे हैं कि जब आज वोटिंग हो रही है तो हर अफवाह को बस्ट करने का काम कर रहे हैं, हर अफवाह को खत्म करने का काम कर रहे हैं, हर अफवाह को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके की कोई अफवाह यहां पर काम नहीं कर रही है। अब आपको सीधे बताते हैं कि आखिर मतदान जो आखिरी जो अपडेटेड परसेंटेज है कि वोटिंग कितना हुआ है, इसको आपको बताते हैं कि आखिरी परसेंटेज क्या है वोटिंग का। तो इलेक्शन की आखिरी जो वोटिंग हुई है परसेंटेज उसका क्या है, ये आपको बताएंगे। डायरेक्टर साहब, इलेक्शन का क्या परसेंटेज है वोटिंग का, तो आपको बताएंगे कि इलेक्शन का परसेंटेज क्या है, लास्ट अपडेटेड जल्दी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दो जगह से खबरें आई थी, एक लखनऊ से इलेक्शन ब्रेकिंग थी कि सरोजनी नगर में ईवीएम खराब हुई है और बगिया मऊ में ये ईवीएम खराब हुई है, वोटिंग के दौरान ईवीएम खराब हुई और ईवीएम के चलते मतदान बाधित हो गया। लेकिन अभी की हकीकत यह है कि वहां मतदान सुचारू रूप से चल रहा है, सब कुछ शांति ढंग से चल रहा है और मतदान बंपर हो रहा है, वोटिंग भी पड़ रही है। लखनऊ से इस वक्त की एक और जो दूसरी जानकारी आपको दी थी कि दबाव डालकर वोट डलवाए जा रहे हैं, ऐसा आरोप लगा दिया है समाजवादी पार्टी ने और विधायक के बेटे विकास किशोर पर यह आरोप लगाया गया था। लेकिन अभी हमारे संवाददाता जो कि जमीन पर मौजूद है और साथ ही साथ बूथ संख्या 215, 216, 217, 218 का खुद जायजा लेकर आए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है और मतदान चल रहा है। तो ऐसी किसी भी तरीके की नकली खबर, फेक खबर को बस कर रहे हैं लगातार, किसी भी तरीके से चुनाव जो प्रभावित हो सकता है, एक एक सिंगल सिंगल मिनट टू मिनट कट टू कट हर खबर को आपके सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या है हकीकत। हकीकत दरअसल क्या है, क्योंकि दूर से अफवाह फैलाना या फिर वोटिंग के दिन मतदान को किसी भी रूप से प्रभावित करना, बहुत सारे लोग लग रहे थे इसको, एंटी सोशल एलिमेंट्स है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन मतदान एक एक खबर ग्राउंड से एक खबर आपको बता रहे हैं, लगातार बता रहे हैं। लेकिन ऐसे में लगातार एक एक खबर बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लास्ट अपडेटेड जो हमारे पास है वो ये है, 3 बजे तक का, फतेहपुर में 52% मतदान हुआ है, वहीं दूसरा है हरदोई में 46% मतदान हुआ है और आपको इलेक्शन की जो हमारी ट्रेंड चल रही है उसमें देखिए आप, सीतापुर में 49.18% मतदान हुआ है। ये 3 बजे तक का लास्ट अपडेटेड आपको बता रहे हैं, लखनऊ में 47% हुआ है मतदान। तो ये आपको जो इलेक्शन ट्रेन हमारी आ गई है उन्नाव में 47% मतदान हुआ है लगभग, ये इलेक्शन ब्रेकिंग इलेक्शन ट्रेन हमारी चल रही है, पीलीभीत में 54% से ज्यादा मतदान हुआ है और यहां आपको बता दें कि बांदा में 50% मतदान हो चुका है। 3 बजे का लास्ट अपडेट है ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया गया, रायबरेली में 50% से ज्यादा मतदान हुआ है। ये आपको लगातार बता रहे हैं कि क्या है इलेक्शन ट्रेन, चलाते रहिए डायरेक्टर साहब। लखीमपुर खीरी में 52.98% वोटिंग हुई है और ये फतेहपुर में 52% मतदान हुआ है, इससे ज्यादा ही मतदान हुआ है। तो ये लास्ट अपडेटेड मतदान की डिटेल्स है, हरदोई में 46.44% मतदान हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है, सीतापुर में 49.18% वोटिंग हुई है। 3 बजे तक का ये लास्ट अपडेटेड है, जल्दी 5 बजे का भी आ जाएगा। लखनऊ में 47% से ज्यादा मतदान हुआ है, तो
तो ये मतदान का परसेंटेज आपको बता रहे हैं इलेक्शन ट्रेन न्यूज वर्ल्ड इंडिया की। उन्नाव में 47.23% मतदान हुआ है, पीलीभीत में 54% मतदान हुआ है। तो ये इलेक्शन ट्रेन हमारी चल रही है जो आपको बता रही है कि कितने फीसदी मतदान हुआ है। 5 बजे का अपडेट करिएगा, फिर वापस लौटेंगे।